आज मैं लेकर आई हूँ मार्केट जैसे कागज से भी हल्का पापड़ की रेसिपी। यह बहुत ही क्रिस्पी चटपटा पापड़ रेसिपी बनके तैयार हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप लोग इसकी थिकनेस दे सकते हैं, बिल्कुल कागज से भी हल्का यह हमारी पापड़ रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो यह पापड़ इतना हल्का और क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है कि आप लोग इसे एक बार बना के खा लेंगे तो यकीन मानिए आप लोग यही पापड़ खाना पसंद करेंगे। जिस तरह से यह पापड़ रेसिपी बनके तैयार हुआ, यह कितना क्रिस्पी हमारा पापड़ बनके रेडी हुआ है, आप लोग इसका क्रिस्पीपन देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग को मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी यह पापड़ बनके रेडी हुआ है। मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इस पापड़ के आगे आप लोग मार्केट का पापड़ खाना भूल जाएंगे। किस तरह से मैं इस पापड़ रेसिपी को बना के तैयार किया है, चलिए बनाना देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आप लोग पापड़ चिप्स कुकड़े खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। बिल्कुल आज मैं इस पापड़ रेसिपी को मार्केट जैसे बना के तैयार करूंगी। तो यहाँ पे एक कप मैदे से मैं 200 पापड़ बना के तैयार करूंगी। तो पापड़ रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की पापड़ रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पापड़ रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने एक कप मैदा। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी मेजरिंग कप कटोरी ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। ये लगभग 200 ग्राम होगा, तो इसे हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक कप मैदे का हमें बैटर बना के तैयार करना है। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने एक कप पानी। तो जिस कप से मैंने मैदा लिया है उसी कप से मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मैदे का एक घोल बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, उसके बाद इस तरह से हमें इसे मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मैंने एक कप पानी इसमें पूरा ऐड कर दिया है। अब मैदे को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे एक कप पानी ऐड करने से मेरा इस तरह से कुछ बैटर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कप पानी को और ऐड करूँगी। एक कप पानी और ऐड करके इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो टोटल यहाँ पे मैंने 2 कप पानी को ऐड कर दिया है। अब 2 कप पानी को ऐड करके हम मैदे को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे 2 कप पानी को ऐड करके मैंने इस तरह से घोल बना के तैयार कर लिया है। तो जिस मेजरमेंट से मैं आप लोगों को यह पापड़ बनाना बता रही हूँ, अगर आप लोग इस मेजरमेंट से पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल फटेंगे नहीं, लाल नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल एकदम आपके क्रिस्पी व्हाइट तैयार होंगे। घोल को मैं साइड में रख दूंगी और यहाँ पे लूंगी पापड़ बनाने के लिए एक मैं बर्तन। इस कप से मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसी कप से यहाँ पे मैं पानी ऐड करूंगी। 2 कप पानी मैंने घोल बनाने में तैयार किया है और पैन में मैं ऐड करूंगी यहाँ पे 6 कप पानी। ये 2 कप हो गया, 3 कप, 4 कप, 5 कप, 6 कप। यहाँ पे मैंने टोटल 6 कप पानी पैन में ऐड कर दिया है। और बनाते वक्त यहाँ पे आप लोगों को यही ध्यान देना है कि 2 कप पानी से हमें बैटर बना के तैयार करना है, 6 कप पानी को हमें पैन में ऐड करना है। तो टोटल मेरा 8 कप पानी हो जाएगा। तो 1 कप मैदे के साथ यहाँ पे 8 कप पानी को मैं ऐड कर रही हूँ। चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, पापड़ रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। गैस ऑन करके 6 कप पानी को मैंने पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मेरा पानी गुनगुना हो गया। अब गैस का फ्लेम में यहाँ पे मैं मीडियम पे कर दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पे मैं थोड़ा थोड़ा बैटर पैन में ऐड करूंगी और कलछी से इसे मैं मिक्स करते जाऊंगी। तो हमें एक साथ बैटर को नहीं मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा बैटर को ऐड करते जाना है, कलछी से इस तरह हमें मिक्स करते जाना है। तो इस तरह से अगर आप लोग इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो इसमें कोई लंग्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने सारे बैटर को पैन में ऐड कर दिया है। अब इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए हाई लो फ्लेम के बीच में इसे मैं करूँगी। तो जैसे जैसे यह कुक होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, लगातार इस तरह से इसे चलाते रहे। चलिए हाई लो फ्लेम के बीच में रख कर इसे हम लगातार चलाते हुए कुक करते हैं बैटर को। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर कटोरी में ले लिया है। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की जगह पे आप लोग पापड़ खांड ले सकते हैं, नहीं मीठा सोडा ले सकते हैं। अब इस तरह से मैं बैटर के साथ में इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी बेकिंग सोडा को। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर को घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए इसे हम अब बैटर के साथ मिक्स कर देते हैं। इस तरह से बेकिंग पाउडर को हमें बैटर के साथ मिक्स करके इसे कलछी से अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे ऐड करने से हमारे पापड़ फटेंगे नहीं और हमारे पापड़ बिल्कुल एकदम क्रिस्पी व्हाइट बनके तैयार होंगे।
यहाँ पे 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद इस तरह से मेरा बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसे बनाने में हमें टोटल 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैन मोटा तली का है कि पतला तली का है, तो आगे पीछे समय लग सकता है। तो किस तरह से हमें इसका बैटर बना के तैयार करना है, चलिए मैं आप लोगों को बैटर बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट के बाद मेरा इस तरह से बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बीच बीच में लाइव दिखा रही हूँ ताकि पापड़ बनाते वक्त आप लोगों से कोई यहाँ पे गलती ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट में इस तरह से ये हमारा बैटर आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कलछी से आप लोगों को बैटर गिरा के दिखा रही हूँ। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से बैटर दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें 5 से 7 मिनट लग जाएगा बैटर रेडी करने में। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे आप लोग को जो जो चीज़ इसमें ऐड करना पसंद है वो चीज़ इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे जवाइन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जो भी आप लोगों को पसंद है वो चीज़ इस स्टेज पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरा बैटर ये बन के रेडी होने वाला है, बस इसमें 1 से 2 मिनट का समय और लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से आप लोगों को वीडियो में बैटर दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें नमक हिसाब से ही ऐड करना है, नहीं तो ये सूखने के बाद इसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, नमक आप लोग को थोड़ा ही ऐड करना है। तो नमक को हम बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बैटर बनके रेडी हो गया है पापड़ बनाने के लिए। इसमें छोटे छोटे आप लोगों को बबल्स भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और बैटर को मैं नीचे उतार लेती हूँ ठंडा होने के लिए। तो अभी आप लोगों को ये बैटर पतला दिख रहा होगा, पर ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे हमारा यह बैटर गाढ़ा होता जाएगा। तो चलिए हम इसे नीचे उतार लेते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा बैटर पापड़ बनाने के लिए रेडी हो गया है, ठंडा भी हो गया है। चलिए मैं अब पापड़ बनाना शुरू करती हूँ, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। अब इस तरह से हमें कोई कप कटोरी लेना है, इस तरह से हमें बैटर को इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे हमें ढक कर रख देना है ताकि ये ठंडा ना हो, नहीं ठंडा हो जाएगा तो ये पापड़ हमारा अच्छे से नहीं बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को कपड़े के ऊपर बिछा दिया है, पॉलीथीन में मैंने तेल से ग्रीस कर दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इस तरह से हम पापड़ बना लेंगे। तो जिस तरह से आप लोगों को छोटा बड़ा पापड़ बनाना है उसी तरह से आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बैटर को पॉलीथीन पे इस तरह से ऐड करके इसे हम गोल आकार में सेट कर देंगे, बिल्कुल एकदम सर्किल में। यहाँ पे देखिए एक मेरा पापड़ बन के रेडी हो गया है। चलिए मैं इसी तरह से दूसरा बना लेती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग बिल्कुल मार्केट जैसे मैदे का पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। पे मैं 2-2 चम्मच बैटर को ऐड कर रही हूँ। तो जिस तरह से आप लोग को छोटा बड़ा बनाना है उसी के अनुसार यहाँ पे आप लोग बैटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा ही साइज का पापड़ बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2-2 ही चम्मच को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पापड़ को बना लिया है, बिल्कुल एकदम सर्किल में इसे हमें बनाना है गोल आकार में। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे पापड़ को बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे पापड़ को बना के तैयार कर लिया है। तो पापड़ बनाते वक्त हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस ही दे के बनाना है, नहीं तो ये आपस में सिमट जाएंगे। देखिए 1 कप मैदे से इतना सारा पापड़ बन के रेडी हुआ है। जिस मेजरमेंट से मैंने इस पापड़ रेसिपी को आप लोगों को बनाना बताया है, इस मेजरमेंट से अगर आप लोग इस पापड़ रेसिपी को बनाएंगे तो आपके पापड़ कभी फटेंगे नहीं, लाल नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी व्हाइट पापड़ आपके बन के रेडी होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में पापड़ सूखना शुरू हो गया है। तो 1 से 2 घंटे में एक तरफ से ये सूख जाएगा। तो 1 से 2 घंटे के बाद हमें पापड़ को इसे पलट देना है। तो इसे हमें पलटकर 3 से 4 दिन इसे लगातार धूप में सुखाना है अच्छे से। 3-4 दिन इसे अच्छे से सुखाने के बाद हमें एयर कंटेनर में अच्छे से रख देना है। तो इस तरह से आप लोग पापड़ रेसिपी को 1 दिन बना करके साल भर स्टोर करके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज की मेरी मैदे की पापड़ रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी? अगर आज का मेरा ये मार्केट जैसे पापड़ की रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो ऐसे ही पापड़ रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।